हाय फ्रेंड नमस्कार, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो रही है, खासकर उन यूट्यूबरों के लिए जो रुस्ट वीडियो बनाते हैं, किसी गाने का रिव्यू करते हैं, थोड़ा थोड़ा स्टेप पर पहले गाना यानी कि गाना प्ले करके उसके बाद थोड़ा अपना रिएक्शन अपने हिसाब से इंटरटेनमेंट लोगों का करते हैं, जैसे कि वो यानी कि अब वो वीडियो कंप्लीट कर लिए उसके बाद यूट्यूब पर अपलोड करने जाते हैं। लेकिन उनको यानी कि तमाम कैटेगरी 15 प्रकार यानी कि जो यानी कि कैटेगरी होती है यूट्यूब की, 15 प्रकार की कैटेगरी होती है, उनको ये डिसाइड करना होता है कि हम किस कैटेगरी अपनी वीडियो अपलोड करें। जैसा कि आज की यह वीडियो आपके लिए है जो कि यानी रोस्टेड वीडियो बनाते हैं वो उनका चैनल किस कैटेगरी में आता है, जैसा कि यानी कि कैटेगरी यानी कि वीडियो के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है कैटेगरी सिलेक्ट करना। कैटेगरी अगर आप कैटेगरी के हिसाब से यानी कि वीडियो अपलोड करेंगे, जैसे आप वीडियो अपलोड करने जाते हैं तैसे वहां पर यानी कि कैटेगरी आ जाता है जो कि 15 प्रकार की कैटेगरी है। आपका यानी कि वीडियो का कैटेगरी किस कैटेगरी में आपकी वीडियो आता है, जैसे कि आप उसी कैटेगरी में अगर सिलेक्ट करके आप वीडियो पर यानी कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे तो यानी कि वो यूट्यूब का एथोरिजन समझ जाता है ये इस बंदे का इसी टॉपिक पर वीडियो बना है, उसी के हिसाब से उस ऑडियंस के पास भेजता है। जैसे आपने कोई वीडियो सिलेक्ट कर लिया, आपने जैसे यानी आपको उदाहरण के तौर आपको बता रहा हूँ, आपने यानी जैसे भोजपुरी गाना सिलेक्ट किया, जैसे ही आप भोजपुरी गाना प्ले करके छोड़ दिया उसके बाद जैसे ही आप पुनः आप यानी कि YouTube पर जाएंगे, पुनः अगर YouTube अपना खोलेंगे तो भोजपुरी ही गाना यानी कि आपको दिखाई देगा पूरा लेटेस्ट। यही होता है यानी YouTube का एथोरिजन, वो आपका माइंड पढ़ लेता है कि आप किस प्रकार की किस टॉपिक पे आपकी वीडियो पसंद करते हैं। तो वही होता है कैटेगरी बेहद इंपॉर्टेंट होती है, खासकर यानी कि नए यूट्यूबर ये यही गलती करते हैं, इनके ऑडियंस नहीं आते, उनके व्यूज ही डाउन होते हैं। तो आज यह मेन मुख्य टॉपिक है यानी कि रुस्ट वीडियो किस कैटेगरी में आता है। रुस्ट वीडियो आप ये सोच रहे होंगे कि तमाम यानी कि रुस्टेड वीडियो सोच रहे थे मैं तो लोगों का मनोरंजन करता हूँ, इंटरटेनमेंट करता हूँ, ये हमारा यानी कि हमारा चैनल यानी कॉमेडी वीडियो में आता है। लेकिन ये भाई ये गलत है, आपका चैनल कॉमेडी में नहीं आता, क्योंकि यानी कॉमेडी में तमाम बंदे रहते हैं, तमाम प्रकार के बंदे रहते हैं उसमें, यानी कि कई समूहों द्वारा यानी कि एक कॉमेडी वीडियो तैयार किया जाता है। आप रोस्टिंग वीडियो बना रहे हैं तो रोस्टिंग वीडियो ओनली आप एक ही है, और उसके बाद सामने लैपटॉप रख के कोई गाने का रिव्यू करके उसको यानी कि रोस्टिंग लोगों का मनोरंजन यानी कि इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। तो यह यानी कि यह आपको यानी कि कॉमेडी कैटेगरी में नहीं आता, यह इंटरटेनमेंट कैटेगरी में आता है, क्योंकि आप अकेले ही लोगों का इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, यह इंटरटेनमेंट कैटेगरी में आता है, ये यानी कि इंटरटेनमेंट ही कैटेगरी में आता है। आप जब भी आप अपनी वीडियो सिलेक्ट करें अब अपलोड करें तो आप जो शुरू आप इंटरटेनमेंट ही कैटेगरी सिलेक्ट करें या रोस्टेड चैनल इंटरटेनमेंट ही कैटेगरी में आता है। आई होप ये वीडियो जो शुरू आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे।